आज का जो टॉपिक है लिप्स, ठीक है, लिप्स मॉडलिंग कैसे करते हैं। सपोज आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ प्लेन, प्लेन क्रिएट करो, देन सेगमेंट्स को नील कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल कॉल करना आपको आता है, एज यू नो डिफ्यूज पे चलते हैं यहाँ पे, एज ए बिट मैप। लिप्स में कॉल करो, सेलेक्ट योर प्लेन, थर्ड बटन लाइक यहाँ पे जो भी है आपका रेफरेंस नेमिंग कर दो, ठीक है। थर्ड बटन मतलब असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, देन यहाँ से फोर्थ बटन आपका यहाँ पे सो सेटेड मटेरियल इन वी बोर्ड, ओके। देन गो टू फ्रंट व्यू F3 पे, लाइक यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, यहाँ पे जो सेंटर लाइन है सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ को पोजिशन करते हैं यहाँ पे, ओके। अब हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट, तो स्टार्टिंग क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओ, ठीक है, यहाँ पे फ्रीज एंड सो फ्रोजन इन ग्रे, ताकि जब हम लोग प्लेन को सेलेक्ट करें सेलेक्ट ना हो, ठीक है, हम दूसरे प्लेन पे काम कर सकें। यहाँ पे कलर अमाउंट बढ़ा दें यहाँ पे, ओके। देन जी फॉर गेट, ओके, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विद प्लेन। ओके, एज यू नो लाइक अपर लिप्स और लोअर लिप्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे, और अपर लिप्स छोटे होते हैं कंपेयर टू लोअर लिप्स, है ना। तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे हल्का सा बाहर होता है अपर लिप्स एंड देन हल्का सा अंदर तरफ लोअर लिप्स लिटिल बिट, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस को थोड़ा सा फॉलो करूँ, यहाँ पे साइड व्यू में अगर चलते हैं, यहाँ पे जूम करके देखें, यहाँ पे देन सेफ हल्का सा स्लाइंट है, अपर लिप्स बाहर है, लोअर लिप्स हल्का सा अंदर, साइड से ऐसे गया हुआ है। तो देन मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत ईजी स्टेप बताने की कोशिश करूँ मैं आपको। यहाँ पे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, शेप्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे बेसिक शेप जो होता है नॉर्मली, ये बेसिक शेप आपके यहाँ पे विजुअल होता है, ठीक है, ओके। मटेरियल पे चलते हैं यहाँ पे, लाइक कंटेन बाई डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ऑटो के ऑन करते हैं यहाँ पे, 110 ऑपेसिटी 0, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीज़ को डील कर सकते हैं यहाँ पे। टॉप लेवल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे भी, एम प्लस करते हैं मैंने यहाँ पे, और देन असाइन, ओके। रियलिस्टिक मोड को हम लोग यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, सेडिट पे चलते हैं यहाँ पे, कितना आप कवर कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपके यहाँ पे आ गया, ओके। इमेज क्वालिटी तो इसी कम है, इसकी वजह से थोड़ा ब्लर हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समझे यहाँ पे जो लिप्स का पार्ट होता है, ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये आपका होता है बाहर की तरफ, ठीक है, ये वाला पार्ट हल्का सा अंदर की तरफ, ठीक है। देन मैं इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, एक सिंपल एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, आर फॉर स्केल, ठीक है, पीछे की तरफ होना चाहिए यहाँ पे, जेट फॉर जूम आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे टर्न किया, लाइक कर्व मेंटेन होना चाहिए यहाँ पे, ओके। यहाँ पे चलते हैं, लाइक वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एज इसको लेते हैं यहाँ पे, लाइक एक्सट्रूड एक्सट्रूड करने हम लोग यहाँ पे इसे रोटेट करते हैं यहाँ पे, पढ़ने पे वी शेप हमें मेंटेन करके रखना होता है, ओके। ओके, देन यहाँ पे मैं रोटेट करके देख सकता हूँ यहाँ पे, वी शेप हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। टॉप लेवल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अब चाहो इसकी जस्ट कॉपी करके भी आप डील कर सकते हो यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कनेक्ट, बेसिक शेप्स, ठीक है, नीड है कंट्रोल शेप एंड राइट क्लिक एंड कनेक्ट, जितनी चीज़ों का मैनेज कर सकते हो आप मैनेज करो आप यहाँ पे,
connect. Okay, convert to poly, then edges. Extrude कर दो आप यहाँ पे alpha scale easy way में like okay then हो सकता है possible यहाँ पे then हम यहाँ पे चीज़ को manage कर सकते हैं पे ये manage यहाँ पे कर दिया even हम लोग चाहे तो bridge भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है right click top level select कर दिया पे right click and attach अटैच कर सकते हैं आप यहाँ पे ठीक है राइट क्लिक एंड कोलैप्स एंड कोलैप्स ओके नीड के ऊपर हम लोग सेगमेंट देते हैं यहाँ पे एजिस में चलते हैं यहाँ पे ठीक है लाइक एजिस में आप यहाँ से भी एक सेगमेंट दे सकते हो लाइक स्विफ्ट ठीक है जितने आप लोग कर्व को जितना मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे मैनेज करो जितना आप मैच कर सकते हो मैच कर दो ओके और इसके बाद लाइक कर्व मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या है ऑल्ट आर राइट क्लिक एंड कनेक्ट कनेक्ट कर दिया यहाँ पे कनेक्ट करते एक एक करके आप चीज़ों को मैनेज कर लें फर्स्ट पार्ट यहाँ पे तो इस बार फर्स्ट पार्ट को आप यहाँ पे ये लाइन देख लो यहाँ पे ये कर्व मेंटेन हो सकते हैं यहाँ पे ठीक है लूप ले लो आप यहाँ पे देन ऊपर वाले को डिसलेक्ट कर दो आप यहाँ पे देन लिटिल बिट ओके शेप को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे लूप सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे देन सिंपल एक्सट्रूड आप चाहो तो वन बाय वन करके एक्सट्रूड कर सकते हो लाइक शेप कैसे है लाइक पीछे की तरफ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिटिल बिट पीछे की तरफ हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आइडिया मिलना चाहिए विद रेफरेंस आपको तो आइडिया मिलना चाहिए हाँ हमें डील कैसे करना है यहाँ पे और सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया लूप ठीक है यहाँ पे मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे ठीक है और देन अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करती हूँ यहाँ पे ये नीचे शेप जा रहा है यहाँ पे तो हम यहाँ पे शेप को नीचे कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ से लाइक सिंपल सा पार्ट इधर तक ठीक है मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे हर एक को लोकल एंगल लाइक जो इसका लोकल एक्सिस है ना उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करना है अपने आप चीज़ों को अच्छे से समझना है कि हाँ शेप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेसिंग प्रॉपर यूज़ करना है आपका लोकल एक्सिस ठीक है लाइक आप यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ सिलेक्ट दिस वन देन ब्रिज का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे ब्रिज ठीक है किया जा सकते हैं यहाँ पे ओके वॉट नेक्स्ट लाइक उसके बाद फिर आपको एक लूप लेना है यहाँ पे आपको एक बार वन वन टाइम आपको फिर से आपको यहाँ पे एक्सट्रूड करोगे लाइक ऊपर वाले पार्ट में जगह कम है नीचे में जगह ज़्यादा तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि कनेक्ट कर दूँ यहाँ पे राइट क्लिक एंड कनेक्ट कनेक्ट करने मैं इसको स्पेस थोड़ा सा मैनेज करता हूँ यहाँ पे ठीक है लाइक बेसिक शेप्स के अकॉर्डिंग लिटिल बिट बेसिक शेप ठीक है कर्व को थोड़ा सा मेंटेन करना है अपने पे ठीक है ठीक है नीड है यहाँ पे का सेगमेंट भी तो आप यहाँ पे एक सेगमेंट दे सकते हैं यहाँ पे एजेस देन स्विफ्ट लेकिन उस सेगमेंट देने के बाद आपको उसकी स्पेसिंग का भी मैनेज करना लाइक जो उसकी नीड है उसको वहाँ पे बताना है कि हाँ ठीक है यहाँ पे इसकी नीड है इसकी इम्पोर्टेंस जहाँ पे तो सब फुलफिल करना आपको यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया एजिस पे चलते हैं यहाँ पे एजिस देन लूप मैक्सिमाइज कर देते हैं व्यू को ठीक है डिसलेक्ट करते हैं यहाँ पे और लेफ्ट में चलते हैं लेफ्ट
ठीक है, इस शेप को थोड़ा सा हम लोग बाहर की तरफ निकालते हैं, यहाँ पे इस शेप को लेते हैं लूप, देन डिसलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अंदर की तरफ प्रेस करते हैं यहाँ पे, गैपिंग हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लूप डिसलेक्ट, ठीक है, हल्का सा स्केल लिटिल बिट, और देन स्पेसिंग को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। जो कर्व है हमें यहाँ पे कर्व मेंटेन करना, लाइक यहाँ पे जो कर्व है एक शेप इधर गया है, ठीक है, तो इस शेप के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे रेफरेंसेज नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना पार्ट आपका बाहर आ रहा है, चेन की तरफ है, तो लाइक चेन आपका ये पार्ट ओके बाहर की तरफ आएगा यहाँ पे, ये तीन पॉइंट आपके बाहर आते हैं यहाँ पे जो चेन की तरफ आता है, देन ये पार्ट आपका अंदर रहेगा। ओके, कैसे कैसे आप चीज़ों को कितना मैनेज कर सकते हो। एक चीज़ और, लाइक यहाँ पे नॉर्मल फेस है, नॉर्मल लिप्स है, यहाँ पे स्माइलिंग में, स्माइलिंग में लाइक आपके लिप्स का थोड़ा सा जैसे चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये भी समझ के रखना, लाइक अगर आपने स्माइल पे आपने क्लिक करवा रखा है और आपका नॉर्मल फेस है, तो वो थोड़ा सा आप क्लिक डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, आप ये भी समझना। देखो यहाँ पे लिप्स के नीचे यहाँ पे जो डेप्थ ज़्यादा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे कम हो जाता है, अगर आप कभी ऑब्जर्व करो लिप्स को, मिरर के सामने बैठो और देन अगर आप ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स कैसा है, लाइक लिप्स को किस टाइप से डील करना है, टॉप पे चलते हैं, टॉप एंड जेट, कर्व आपको मेंटेन करके रखना है कि कर्व आपका कैसा होना चाहिए। फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट सेलेक्ट, देन स्केल, आर फॉर स्केल, ठीक है, एस वाई सिमेट्री, सिमेट्री में आपका इस यहाँ पे चीज आ जाएंगे, सिमेट्री में मिरर, ठीक है, मैनेज कर लो ये सही है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक, ओके, ट्विक करने पाता है, लेकिन हम लोग को कोई भी एक मॉडल बना दो, उस मॉडल को ट्विक करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक लिप्स के अंदर अपर लाइन है, लोअर लाइन, लाइक कौन सा प्रोमिनेंट है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, लाइक सिंपल सा पार्ट, अपर लाइन थोड़ा सा आपको प्रोमिनेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, तो देन प्रोमिनेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एजेस पे चलो यहाँ पे, और इस एज को सैम्पल कर दो यहाँ पे, लूप राइट क्लिक एंड सैम्पल, तो ये अपने आप एक प्रोमिनेंट लाइन क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। कर्व आपको कितना मेंटेन करना, लाइक कर्व में आपको लगता है आपको ज़्यादा मैनेज करना, तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे शेप से, लाइक बॉर्डर सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, बॉर्डर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सिलेक्शन करते हैं रेड, बाकी दूसरे कलर आप ब्लैक कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, एज इज, देन लूप, ठीक है, लिटिल बिट हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं यहाँ पे, आर फॉर स्केल, फ्रंट कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि चाहिए पूरी कवर हो जाए यहाँ पे, ऑल्ट क्यों, ठीक है। मॉडल करते हुए हमें ध्यान रखा कि एक दूसरे को ओवरलैप ना हो, लेकिन हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को फुलफिल कर देते हैं यहाँ पे, चीज़ों को यहाँ पे देख के तो सब मैनेज करें यहाँ पे, अंदर की कैविटी भी बनाई जाती है, लेकिन तो ऐसे मैनेज करते हैं यहाँ पे, ओके, देन यूज करो FFD, FFD यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, FFD लाइक 3, टॉप पे चलते हैं यहाँ पे, कर्व मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखना सब कुछ बाहर होना चाहिए, लाइक एडिटर पॉलीपथ आप यहाँ पे बाहर निकलो टॉप लेवल पे, ठीक है, कुछ सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, सिमेट्री पे आओ, फिर ट्राई करो FFD लाइक 3, ठीक है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा कर्व को मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, कर्व को कितना मैनेज कर सकते हो,
ठीक है, तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। और ठीक है, जियो को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। अब ये जाने के लिए सिमेट्रिक के साथ यहाँ पे काम करना है। इसके अंदर किसी और वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा तो ये उस पर इम्पैक्ट देगा, तो कोशिश करो कि ये एंड में आपका काम हो। ठीक है, कुछ चीज़ों का पिस्टा से फोर्सिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और मैंने अगर इसमें मैस स्मूथ लगा दिया यहाँ पे, मैस स्मूथ। ठीक है, देन ट्विकिंग में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जितना आपको डेप्थ देना है। ठीक है, अब आप फ्री हो यहाँ पे, लाइक जहाँ पे आपको डेप्थ देना है डेप्थ दे सकते हो यहाँ पे। कौन से पार्ट को बाहर निकालना है, कौन से पार्ट को अंदर करना, तो आप चाहो तो मैनेज कर सकते हैं। बेसिक एक ब्लॉकिंग हमारे पास यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जैसे शेप्स यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारे पास टेक्सचर में भी आते हैं। टेक्सचर के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, शेप्स को थोड़ा सा मैनेज करना होता है। मुझे पहले FFT को क्लोज करना पड़ेगा। FFT को कैसे क्लोज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक कोलैप्स टू अगर मुझे रखना है तो, या मैं फिर इसके ऊपर एडिट वाली लूँ। एडिट वाली अगर इसके ऊपर ले लेते हैं तो देन मेरे पास दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। अपर लाइन को मुझे चाहिए कि मैं डील करना चाहता हूँ, तो देन अपर लाइन के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लाइक मैं आप सेलेक्ट करके मैनुअल डील कर रहा हूँ। एक ये ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ यार मेरे पास दोनों तरह से काम हो जाता है, कोलैप्स टू यूज़ करते हैं यहाँ पे। यस ठीक है, सिमेट्री में चलते हैं ऑफ। ठीक है, फ्रंट डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, लाइक मुझे दो बार मेहनत नहीं करना चाहता मैं, तो सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री को थोड़ा सा सेट कर देते हैं यहाँ पे, सिमेट्री। ओके, देन वर्टेक्स पे चलते हैं यहाँ पे, अभी भी थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, वर्टेक्स देन लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे डील करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ पहले। ठीक है, ऐसा कुछ। और लाइक ठीक है, ऐसा कुछ मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। आप चार से भी टर्न करके आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे, सपोज कर मेंटेन आपके पास यहाँ पे। ठीक है, शेप्स को आपको कितना मैनेज करना है यहाँ पे, जितना आप यहाँ पे डेप्थ देना, डेप्थ के अकॉर्डिंग आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये ट्रिकिंग में आपका आ जाता है, बस बेसिक ब्लॉक में आप चीज़ को फुलफिल कर सकते हो क्या, मुझे किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है आप। यहाँ पर बेसिक ब्लॉकिंग ठीक है, लिप्स का जो फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चॉइस में जितना तक देना चाहो, जिन भी उनका पूरा पार्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू।